हेलो बच्चों, बोलती बुक्स विद अंशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे कबाड़ी वाला। स्कूल की छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे, पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। चीनू, क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का, चीनू बोला। वो क्या है कि तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी। चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गाकर पुकारा। चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़कर पहुंचा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। स्कूल में वह अकेला बच्चा था जिसके पापा उसे लेने आते थे। चीनू कूद कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पापा ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी। चीनू ने भी पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। जब एक चौकीदार ने उन्हें रोका, चीनू नीचे कूदा। एक खाली बोरी लेकर वह अपने पापा के साथ गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वह इस बोरी में भरा जाएगा। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और मैगजीन्स, नीचे वाले घर से अखबार, मैगजीन्स और कुछ खाली बोतल। चीनू दौड़कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया। वे लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल हो गईं। 5वीं मंजिल से अखबार और मैगजीन, खाली बोतल, डिब्बे और किताबें मिली। जब तक उसके पापा ने उस महिला से बात करी, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर थीं, जहां वह उन्हें देख सकता था। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। घर पर सब सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पापा ने उसे बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ है, वह बोले। वही किताब जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देखता रहा था। थैंक यू पापा, चीनू बोला। उसके बाद रात को खाने के लिए उन्हें उसे 3 बार बुलाना पड़ा। बच्चों, कैसी थी ये कहानी? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? चलो जल्दी से निकालो और एक बार पढ़ डालो। फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ अगले संडे। बाय बाय, टेक केयर।